खून के संबंधों में अतीत की खटास जब जब वर्तमान की दहलीज पर दस्तक देती है, बुमराह के दादाजी की तरह मौत हर बार एक अपनों की ही होती है। क्रिकेट की पिच पर तेज गेंदबाजी से दुनिया में नाम कमाने वाले जसप्रीत बुमराह ने अपने खून के रिश्ते को ही बेकार कर दिया। कहते हैं खुशियों का गला घोंटकर अपने घर के आंगन में ही दीवार खड़ा कर दिया। अपने क्रिकेटर पोते से मिलने अहमदाबाद तक गए बुमराह के ऑटो चालक दादाजी को कुछ दर्द था, कुछ दिक्कतें थी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा जल्दी थी अपने बिछड़े रिश्ते को समेटने की। वो बुमराह को गले लगाना चाहते थे, अपने घर के सुपरस्टार को दुलार करना चाहते थे, लेकिन बुमराह की माँ से पहले उनकी अपनी बहू से मिली ठोकर के बाद मौत उन्हें अच्छी लगी। बहती हुई साबरमती नदी में बर्फ सी जमे रिश्ते के दर्द को समेटे दादाजी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दुनिया के हर एक घर में, हर परिवार में, हर रिश्ते में, रिश्तेदारी में, नाते में, नातेदारी में किसी न किसी बात पर आपस में थोड़ी बहुत खटास होती है, लेकिन बुमराह के परिवार में रिश्तों की चादर पर ऐसी काई जमी थी कि प्यार के एक एक अर्थ फिसल कर नदी में बह गए। अच्छा क्रिकेटर होना अलग बात है और उससे काफी अलग और अच्छी बात है अच्छा पोता बनना। हो सकता है बुमराह के दरवाजे पर पैसे और प्रसिद्धि झख मार कर आते हों, लेकिन उस दरवाजे पर अपनों के प्यार को सिर्फ ठोकर ही मिलते हैं। दादा और पोते का संबंध दुनिया के बाकी संबंधों से अलग होता है। तीन पीढ़ियों को जोड़ने वाले इस संबंध में बुमराह ने दगा दिया है। दुनिया का हर इंसान अपने पोते पोतियों के लिए कुछ दिन और जीना चाहता है। बुमराह के दादा बुमराह और उसके परिवार से की गई दगाबाजी को झेल नहीं पाए थे। कभी करोड़ों में खेलने वाले बुमराह के दादाजी संतोख सिंह को जिंदगी ने एक धक्का देकर ऑटो चालक बना दिया था। इधर 7 साल की उम्र में पिता को खो देने वाले बुमराह सफलताओं को चूमने लगे थे। इसी सफलता पर दादाजी को रश्क था। खैर, वो जानते थे कि इस रिश्ते में सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है। बावजूद इसके भारी कदमों से उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया। उन्हें भी क्या पता था कि ये सफर अंतिम सफर में तब्दील हो जाएगा। दादाजी के ख्वाब बस ख्वाबों में ही रह गए। सुपरस्टार बुमराह का नाम दुनिया में कितना भी बड़ा हो जाएगा, दादा का नाम वो नहीं बदल पाएंगे। बदलती हुई दुनिया में इस बात को समझना जरूरी है कि हम कितने भी क्यों न बदल जाएं, इतिहास और बुनियाद को हम नहीं बदल सकते। बुमराह के दादाजी का सफर अब थम गया है। अच्छा होता कि घूमती हुई धरती भी कुछ देर के लिए थम जाती। मुझे डर है बुमराह के दादा के ख्वाबों को फिर से कहीं चोट न लग जाए।